इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में सिंध की दो जनरल नशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध को सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि पब्लिक नोटिस सेनेट इलेक्शन के लिए सिंध असेंबली में पोलिंग 14 मार्च को होगी। इसी पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है। जी मोहम्मद अरशद, आगाह कीजिएगा, क्या शेड्यूल जारी किया गया है? जी देखें, सिंध से सेनेट की दो नशस्तों पर इलेक्शन जो है वो होने हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ो को सेनेट नशस्त पर टिकट देने का जो है वो इम्कान है जराई, जबकि वकार मेदी ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर ली है। अगर असलम अबड़ो के हवाले से बात की जाए तो असलम अबड़ो पीटीआई छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। इसी तरीके से जाम सैफुल्ला धारेजो साबिक सूबाई वजीर हैं। सेनेट की नशस्त जाम मेहताब डहर और निसार खोड़ो के रुकने सिंध असेंबली बनने से जो है वो खाली हुई है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज है। सेनेट इलेक्शन पर इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 मार्च को सिंध असेंबली में शेड्यूल है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आप हमें आगाह कर रहे थे।